पीपल आवर कंट्री, ये एक प्रार्थना है हमारे देश के लिए, तो उसे मिलके गाते हैं। संभाल कर मेरे देश को रखना, संभाल कर मेरे देश को रखना, संभाल कर मेरे देश को रखना, संभाल कर जब कोई नहीं कहीं नहीं तब यीशु जब कोई नहीं कहीं नहीं तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, खुदा यीशु मसीह आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहा है। मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है, अपने घरों पे बैठे हुए आप इस मसीह को महसूस कर रहे हैं, जिस मसीह को हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। यही सिखाया यीशु ने हमको, यही सिखाया। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरा ईमान है कि आप सबको ये गीत बहुत पसंद आया होगा, और जितने भी कमेंट्स कर रहे हैं, जितने भी लाइव देख रहे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हमें वॉच कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत 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 ब्लेस करें। और मेरा ईमान है कि आप सब लोग बरकत पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैं चाहता हूं कि एक गीत हम और खुदावंद की महिमा के लिए गाएंगे, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, और कीप रिमेंबर आवर मिनिस्ट्री इन योर प्रेयर टू। हमारी सेवकाई को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और मेरे भाई लोग बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं मेरा, प्रभु इनको भी बहुत आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस संसार में आए, मारे गए,
दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित, तो कि उन्होंने साबित कर दिया कि भाई एक जिंदा परमेश्वर है। हम मिलके गाएंगे, सुन लो आज पापियों मसीह की ये पुकार, बोझ है गुनाहों का उठने को है तैयार। पापियों मसीह की ये पुकार, सुन लो आज पापियों मसीह की ये पुकार, सुन लो आज पापियों मसीह की ये पुकार। सुन लो आज पापियों मसीह की ये पुकार, सुन लो आज पापियों मसीह की ये पुकार। सुन लो आज पापियों मसीह की ये पुकार। सुन लो आज पापियों मसीह की ये पुकार, लो आज पापियों मसीह की ये पुकार, सुन लो आज।
आज पापियों मसीह की ये है पुकार, मसीह की ये है पुकार, मसीह की ये है पुकार। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है कि आप सबको दोनों ही गीत बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत सारे न्यू सॉन्ग्स के साथ मैं अभी आप सबको ब्लेस करूंगा, बिकॉज परमेश्वर ने बहुत नए गीत दिए हैं। बहुत सारे लोग जो आज मुझे सुबह से मैसेज कर रहे थे, सुबह से कह रहे थे कि ब्रदर शमी आप फेसबुक लाइव नहीं हुए, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप आज इंडिपेंडेंस डे है, सब लोग अपने अपने पोस्ट डाल रहे हैं, तो आप भी फेसबुक पर थोड़ा बोले। तो मैंने उनको बोला कि हमने संडे को बहुत बड़े तरीके से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, और हमने अपने देश के लिए दुआ की थी कि खुदावंद हमारे देश को सलामत रखे। जिस मिट्टी में से गेहूं उगता है, चावल उगते हैं, हमारे खाने की चीजें उगती हैं, उस मिट्टी के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जिसका खाते हैं उसके लिए प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर हमें देता है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने ये सब कुछ बनाया, ये धरती, ये आसमान, वन पशु पौधे जीव जंतु हर एक चीज को, तो इन सब चीजों के लिए भी उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमारी मिनिस्ट्री को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। बहुत बड़े तरीके से, अजीबो गरीब तरीके से परमेश्वर इस सेवकाई में काम कर रहा है। हमें कभी कभी बिलीव नहीं होता कि परमेश्वर हम जैसों को भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये उसका फजल है, उसकी कृपा है, और प्रभु के दास पास्टर रमन की बहुत ज़्यादा मेहनत है जो, और हमारे मम्मी पापा की, हमारी फैमिली की बहुत ज़्यादा मेहनत है, हमारे यूथ जितने भी हमारे चर्च के लोग हैं उन सबका बहुत ज़्यादा प्रेम है जो इस मिनिस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं, और हमें देख रहे लोग जो फेसबुक पे फॉलो करते हैं, अब्रॉड में बैठे हुए लोग, सब जो हमें फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दें, खुदावंद आपके साथ हो। हम छोटी प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ईमान के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी फेसबुक व्यूअर्स इस समय मुझे देख रहे हैं, प्रभु जी आपका वचन कहता है कि आजादी के लिए मसीह ने